हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेक प्रॉफिट में। दोस्तों, आप लोग यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो देखते हैं मिनी डेयरी फॉर्म के ऊपर। उसमें आपको बताया जाता है कि आप मिनी डेयरी फॉर्म से एक महीने में 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, 2 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, या फिर आप बहुत जल्दी उससे करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों, इन वीडियो में आखिर कितनी सच्चाई है और क्या वास्तविकता में आप एक मिनी डेयरी फॉर्म से महीने के 1 लाख या 2 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम एक मिनी डेयरी फॉर्म पर होने वाले खर्चे को और उस पर होने वाले प्रॉफिट को कैलकुलेट करके देखते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक मिनी डेयरी फॉर्म वो होता है जहां पर कोई व्यक्ति 3 से 4 भैंसों को खरीद करके और उनसे दूध लेकर के दूध बेचने के व्यवसाय करता है, तो उसे हम बोलचाल की भाषा में मिनी डेयरी फॉर्म कह सकते हैं। यहां पर अगर हम किसी मिनी डेयरी फॉर्म का 1 साल पर होने वाला प्रॉफिट और खर्चा निकालें, तो उसके लिए दोस्तों हम एक भैंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपके डेयरी फॉर्म में 4 भैंसें हैं और एक भैंस पर आपका जो प्रॉफिट होगा और जो खर्चा होगा उसको निकालने के बाद अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका एक डेयरी फार्म पर होने वाला प्रॉफिट और खर्चा निकल करके आ जाएगा। तो दोस्तों, एक अगर आप अच्छी क्वालिटी की भैंस खरीदते हैं जो आपकी 10 से 12 लीटर दूध देती है, वो आपको लगभग 70 से 80 हजार रुपए में मार्केट में मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर आपकी भैंस 12 महीने दूध देती है तो आप उससे दूध के द्वारा कितनी कमाई करेंगे और उस 12 महीने में उस भैंस पर कितना खर्चा होगा आपको इस भैंस को 12 महीने दाना और पानी खिलाने में। अगर शुरू के 3 महीने आपकी भैंस प्रतिदिन 12 लीटर दूध देती है और दूध का प्राइस इस समय 70 रुपये प्रति लीटर है, तब हम अगर 12 की 70 से मल्टीप्लाई करें तो आप 840 रुपये प्रतिदिन कमाई करेंगे दूध बेच करके। महीने के हिसाब से आपके बनते हैं 25,200 रुपये। 3 महीने का हम कैलकुलेशन निकालें तो आपके लगभग 75,600 रुपये बनते हैं दूध बेच करके होने वाली कमाई के। ठीक इसी प्रकार के इन 3 महीने के बाद, यानी कि 3 से 6 महीने के बीच में, जब आपकी भैंस गाभिन हो चुकी है तब उसने जो दूध है वो भी कम कर दिया है देना, तो ऐसे में हम 8 लीटर दूध मान लेते हैं प्रतिदिन आपकी भैंस देती है। तो 8 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 70 से, तो आप दूध बेच करके कमाई करेंगे 560 रुपये प्रतिदिन, जो कि महीने के आपके बनते हैं 16,800 रुपये। 16,800 की 3 महीने से अगर मल्टीप्लाई करें तो आप इन 3 महीने में, यानी कि 3 से 6 महीने के बीच जो है वो आप कमाई करेंगे दूध बेच करके 50,400 रुपये की। अब लास्ट में हम जोड़ते हैं 6 से 9 महीने के बीच में आपकी भैंस कितना दूध देगी, तो वहां पर हम 6 लीटर दूध मान लेते हैं, क्योंकि इस समय पर जो भैंस के पेट में बल रहा बच्चा होता है वो बड़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से भैंस जो है काफ़ी कम कर देती है दूध देना। तो यहां पर अगर हम 6 लीटर दूध को 70 से मल्टीप्लाई करें तो आप 420 रुपये की कमाई करेंगे प्रतिदिन दूध बेच करके। महीने के बनते हैं आपके 12,600 रुपये और 3 महीने के बनेंगे आपके 37,800 रुपये। ठीक लास्ट में जो आपके 9 से 12 महीने तक का टाइम होता है, उस समय पर भैंस आपकी ड्राई रहती है, यानी कि वो आपकी दूध नहीं देती है, तो उस समय पर आपकी दूध बेच करके कोई कमाई नहीं होती है, आपको केवल अपनी भैंस को चारा और दाना पानी देना होता है। तो अब यहाँ पर हम टोटल जोड़ लेते हैं कि 12 महीने में आपने दूध बेच करके कितनी कमाई की है, तो आपकी निकल करके आती है 1,63,800 रुपये। अब दोस्तों, हम यहाँ पर उस भैंस पर होने वाले 12 महीने के खर्चे को जोड़ लेते हैं। तो एक भैंस पूरे 12 महीने में 10 कुंटल भूसा खाती है, भूसे का प्राइस है आपका 1,200 रुपये प्रति कुंटल। इस हिसाब से एक भैंस पूरे 12 महीने में आपका 12,000 रुपये का भूसा खा लेगी। यहाँ पर 5,000 रुपये का हम हरा चारा जोड़ लेते हैं और जो आप रेगुलर उसको दाना देंगे वो आप मान के चलिए 100 रुपये प्रतिदिन, यानी कि 3,000 रुपये महीने का दाना खा लेगी एक दूध देने वाली भैंस, जिसमें आपका चोकर और दलिया शामिल है, तो वो पूरे 12 महीने के बनते हैं आपके 36,000 रुपये। वहीं अगर हम लेबर चार्ज जोड़ें तो अगर आप मिनी डेयरी फॉर्म जिसमें 4 भैंसें हैं उसमें अगर आप एक लेबर रखते हैं तो आपको 400 से 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगी। तो एक भैंस पर जो लेबर चार्ज आपका बनता है वो बनता है 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, तो महीने के बने 3,000 रुपये और साल के बने आपके 36,000 रुपये। तो दोस्तों, एक भैंस पर होने वाले अगर हम टोटल खर्चे को जोड़ें तो वो निकल करके आता है आपका 89,000 रुपये। अब दोस्तों, इन 89,000 में से जो आपने 12 महीने दूध बेच करके कमाई की है 1,63,800 रुपये, उसे घटा देते हैं तो आपका एक भैंस पर जो प्रॉफिट है वो निकल के आ जाएगा लगभग 74,800 रुपये। यानी कि आप 74,800 रुपये पूरे 12 महीने में कमाएंगे एक भैंस के माध्यम से। अब आपके मिनी डेयरी फॉर्म में है 4 भैंसें, तो आप उसकी 74,800 की 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका प्रॉफिट निकल करके आता है 3 लाख रुपए। यानी कि अगर आप एक मिनी डेयरी फॉर्म खोलते हैं तो उसके माध्यम से आप 2.5 से 3 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैंने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है
वो क्या है कि अगर आपकी भैंस जो है हर 12वें महीने में आपके यहाँ पर फिर से दूध देना शुरू कर देती है, यानी कि आपकी भैंस जो है वो ज़्यादा समय तक ड्राई नहीं रहती है। और अगर आपकी भैंस ज़्यादा समय तक ड्राई रहती है यानी कि वो जल्दी गाभिन नहीं होती है, तब आपको उसको खाली खिलाना होगा। ऐसे में आप जो है लॉस में चले जाएंगे, या फिर आपको उसे कम कीमत में बेचना होगा, तब भी आप अच्छा खासा लॉस कर लेंगे अपने इस बिजनेस में। वहीं दोस्तों अगर आपकी भैंस किसी कारणवश बीमार हो जाती है, तब भी आपका जो प्रॉफिट है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम एक मिनी डेयरी फॉर्म का एवरेज प्रॉफिट निकालें तो वो आपका 1.5 से 2 लाख रुपए पड़ता है अगर आप एक मिनी डेयरी फॉर्म में 4 से 5 भैंसे ही पालते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मिनी डेयरी फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।